हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑल वीडियो। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आज आपको सुबह एक वीडियो बना के दिया था, जिसमें मैंने ये टोकन के बारे में बताया, कॉइन के बारे में, कैसे इसको बाय करना पैनकेक वगैरह से, उससे ला टोकन से। तो बहुत से लोगों को उसमें प्रॉब्लम आ रही, वो इसको बाय नहीं कर पा रहे हैं। और ये कॉइन जो कि बहुत बढ़िया है, उससे पहले हम आपको बता दिए हमारे टेलीग्राम चैनल, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर जितना हमसे एयर ड्रॉप हो पाता है यहाँ पर हम शेयर करते रहते हैं, सारे लेजिट एयर ड्रॉप होते हैं और एक दो मंथ बाद आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी होता रहता है। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि आप पैनकेक स्वैप से, ट्रस्ट वॉलेट से अपने कैसे उस टोकन को बाय करें जो कि बहुत ज़्यादा हाई जा सकता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और इसका जो बर्न, ये कुछ बिलियंस कॉइन बर्न करेगा। अभी एक तो इसकी डेट कल है, 26 तारीख को ये बर्न करेगा, और नेक्स्ट जो इसकी बर्निंग डेट है वो है 10 मई। 10 मई को ये कॉइन बर्न करेगा और बहुत ज़्यादा हाई जा सकता है। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसमें $4 से $5 आप इन्वेस्ट करके छोड़ दिए 2-3 महीने तक, और बाकी जो भी आप इन्वेस्ट करें वो अपने मर्ज़ी से करिएगा। आपकी मर्ज़ी, आपका फ़ंड है, अपने रिस्क पे करिएगा। तो मेरा बस इतना है कि मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे बाय करना। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले आपको अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करना है और यहाँ पर डी ऐप पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है पैनकेक स्वैप। यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ पैनकेक स्वैप। सर्च करने के बाद ये पहला वाला जो पैनकेक स्वैप आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना इथेरियम एड्रेस जो है उसको चेंज करना है। इस पर आपको स्मार्ट बाइनेंस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्मार्ट चेन आपको सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर कुछ को माइग्रेट नाउ में प्रॉब्लम आ रही, तो मैं इसका भी सॉल्यूशन अभी देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जैसे मैं BNB से बाय करूँगा, ठीक, तो मैं यहाँ पर मैक्स BNB कर देता हूँ। और जो ये जो टोकन है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल या डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ लिंक, वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर इसका टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर लेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद हम इस पर फ्री ऐड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ लोगों को स्वैप करने में प्रॉब्लम आ रही, तो यहाँ पर जैसे आपका V2 सेट है, तो पहले मैं एक बार स्वैप करके देखता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक, वरना यहाँ पर V1 पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओल्ड वर्जन पर। तो मैं यहाँ पर स्वैप पर क्लिक करता हूँ। एक मैं फ़ंड थोड़ा सा कम कर देता हूँ, क्योंकि बाय उसको बाद में और भी टोकन्स लेने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर मेरे पास फंड नहीं रहेगा तो, क्योंकि मेरे BNB बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं इसका आधा कर देता हूँ, अभी 4 है, इसको मैं 2 कर दूँगा और 2 का ही खरीदूँगा। और यहाँ पर अब मैं स्वैप पर क्लिक कर दूँगा। स्वैप पर क्लिक करने के बाद कन्फर्म स्वैप, और यहाँ पर हमें छोटी सी ट्रांजेक्शन फ़ीस देनी होगी। तो यहाँ पर मैं अप्रूव कर दूंगा इसको, और अप्रूव करने के बाद देखिए यहाँ पर हो गया है। अब आपका देखिए, अगर नहीं होता तो मैंने ऐसे ही आपको बताया कि नीचे V1 वाला ओल्ड वर्जन वाला आप पे क्लिक करके और पेज फिर से रिओपन होगा, फिर से वही सारा प्रोसेस करना रहेगा आपको। फिर नॉर्मली जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि इस तरह से आप स्वैप करेंगे, वैसे ही स्वैप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप अपना स्टेटस देख सकते हैं, V1 BHC स्कैन पर क्लिक करके। तो मैं इस पर क्लिक कर दिया हूँ, देखता हूँ मेरा जो फंड था वो हुआ नहीं। देखिए मेरा यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है, यानी मेरा मुझको टोकन मिल गया है। अब मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ टोकन को कैसे देखें। बहुत से लोग होते हैं जिनको मतलब टोकन तो बाय कर लेते हैं पर उनको शो नहीं करता है। तो देखिए, आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट में जाना है, बिल्कुल होम पे यहाँ पर वॉलेट पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, इस जगह आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद Web20 यहाँ पर आप इसको ऑन कर लीजिए। ये बस, अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका टोकन जो है आ गया होगा। ये देखिए, मैंने $1 का समथिंग कुछ बाय किया तो मुझको इतने टोकन यहाँ पर मिल गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले से यहाँ पर इसको बाय करके रख लिया है ला टोकन पे। तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट यहाँ पर नहीं करूँगा। तो मैंने ये सिर्फ आपको बताने के लिए छोटा सा अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करके दिखाया है। अब यहाँ पर आप होम पेज पर यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपका जो टोकन है ये आ जाएगा। ये देखिए, ये टोकन यहाँ पर आ चुका है। और मैंने एक ला टोकन वाला भी प्रोसेस बताया, जिन लोग का फंड ला टोकन पे है, USDT से बाय करने का तरीका, तो वो लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने आप मेरे उस पर वीडियोस की लिस्ट में जाके, ठीक। तो बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर। बहुत सपोर्ट मिलता है आपके सब्सक्राइब से, और प्यारा सा कमेंट, थोड़ा मोटिवेशनल वाला कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।